बस में सफर कर रही महिला को पेंशन दिलाने का झांसा देकर अज्ञात महिला आरोपी ठगी कर हुई फरार। वहीं इस मामले में दुर्ग पुलिस अज्ञात महिला के खिलाफ जांच में जुटी। रायपुर से घूमका खजरी राजनांदगांव बस से सफर कर रही देवकी ठाकुर अज्ञात महिला ठग का शिकार हो गई। आरोपी महिला ठग ने सफर के दौरान पीड़ित महिला से बातों ही बातों में पेंशन योजना का लाभ दिलाने की बात को लेकर पीड़िता देवकी ठाकुर को दुर्ग जिला अस्पताल लेकर पहुंची और वहां उसे बैठाकर पेंशन योजना में नाम जुड़वाने के नाम पर पीड़िता महिला के गहने लेकर फरार हो गई। बता दें इस मामले की जब दुर्ग पुलिस को जानकारी मिली तो उस पीड़ित महिला से पूछताछ कर अस्पताल का जायजा लिया गया, साथ ही अज्ञात ठग महिला के बारे में जानकारियां तलाश करने लगे। इस मामले में दुर्ग पुलिस अज्ञात ठग महिला आरोपी की तलाश और पता साझी कर रही है। वहीं पीड़ित महिला देवकी ठाकुर ने अपनी आपबीती मीडिया के समक्ष सुनाई। रायपुर से आई हूँ, एक लेडीज आया मेरा साथ। हाँ। बोला चल इधर, मैं सचिव हाँ, मैं वकील हूँ, वकील हूँ कि तब मैं ऑफिस में ले हूँ और तो कागजात बनवाऊँ तो पैसा मिली, फार्म भर हूँ तो 3,300 पैसा मिली थी। बोला लूट के नाम रायपुर से आई थी, रायपुर से लाई और दुर्ग में उतरी थी तब टेम्पो करके ना बोला यहाँ लाइन हॉस्पिटल तक यहाँ फार्म भर हूँ तोला पैसा मिली ऐसे। मतलब आदिवासी वाली है वाला अभी जो जाट ना फार्म डाला थे तो पैसा मिले थे ऐसे कि ना वो है ना मुला कहीं के लानी सी तो फार्म डालबो तो पैसा मिले तो हॉस्पिटल में आवे तो 3,300 तो पैसा मिली कि मुला डाट लानी। हाँ आई टी है और पायरी है, सब दोनों सामान है तो लमा के वह 50-60 हज़ार के तो मोर आई टी आवे और 40-30 हज़ार के मोर पायरी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।